जो आपका ये आपकी जूलॉजी के काम का भी है और केमिस्ट्री के काम का भी प्रैक्टिकल है। बीएससी सेकंड ईयर में केमिस्ट्री में मैं आज आपको बता रही हूँ कार्बोहाइड्रेट में मॉलिश टेस्ट। सबसे पहले कौन सा जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें क्या बता रही हूँ मॉलिश टेस्ट। मॉलिश परीक्षण जो होता है 2 ml जलीय विलयन में 2 बूंदे एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थाल के डालते हैं। मतलब 2 ml क्या लेते हैं जलीय विलयन ले लेते हैं और उसमें जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए ये क्या है एक टेस्ट ट्यूब है इसमें क्या ले लिया 2 ml या जलीय विलयन ले लिया ठीक है कार्बोहाइड्रेट परीक्षण में तथा इसमें कुछ बूंदे किनकी किसकी डाल दिया मैंने एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थाल की डालने पर क्या प्रभाव उसमें क्या डालेंगे 1 ml क्या डाल देते हैं 1 ml क्या डालते हैं एस्टर सपोर्ट डालते हैं परत यानी कि दीवार के सहारे डालेंगे तो बैंगनी रंग की एक रिंग या बलय प्राप्त होती है जो मॉलिश परीक्षण है ठीक है। तो मॉलिश परीक्षण में आपको समझ में आया कि 2 ml जलीय विलयन ले लेंगे कार्बोहाइड्रेट का विलयन में 2 बूंदे एल्कोहलिक अल्फा नेफ्थाल की डालेंगे और 1 ml एस्टर सपोर्ट परत यानी कि दीवार के सहारे डालते हैं। हम देखते हैं बैंगनी रंग का बलय या ग्रुप बन जाती है जो कि ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च परीक्षण देती है। कौन कौन से परीक्षण देती है ग्लूकोज सुक्रोज और स्टार्च परीक्षण यह मॉलिश परीक्षण कहलाता है। देखिए ग्लूकोज जो होता है निर्जल होता है देखिए सफेद कलर का चून होता है स्वाद में मीठा होता है ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है C6H12O6 होता है ठीक है। इसके लिए क्या करना है ग्लूकोज का परीक्षण जो होता है तो ग्लूकोज का ये तो आपको समझ में आ गया ग्लूकोज परीक्षण के लिए मॉलिश परीक्षण ये देता है। अब क्या करते हैं पदार्थ में 2 ml या विलयन ले लेते हैं इसमें क्या 2 ml विलयन ले लिया ठीक है। उसमें क्या ऐड कर दिया 1 ml क्या डाल दिया सेलिन विलयन का डालते हैं ठीक है। डालने पर क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रेड एंड ब्राउन ब्राउन कलर लाल और भूरा अक्षेप आ जाएगा। यहाँ पर कैसा अक्षेप आ जाएगा लाल और भूरा अक्षेप आ जाता है तो अपन को पता चलता है कि ग्लूकोज का परीक्षण ये दे रहा है। दूसरा पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेते हैं उसमें 3 ml क्या डाल देते हैं सांद H2 सपोर्ट डालते हैं तथा गर्म करेंगे तो भूरा अक्षेप आएगा। तो ग्लूकोज का परीक्षण के लिए पदार्थ में 2 ml ले लिया उसमें क्या डाल दिया 1 ml सेलिन विलयन डालते हैं उबालते हैं उबालने में लाल भूरा अक्षेप आ जाता है ठीक है। दूसरा पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेते हैं उसमें 3 ml परसेंटेज एस्टर सपोर्ट डाल के गर्म करेंगे तो भूरा अक्षेप आएगा तो भी ग्लूकोज परीक्षण है। इसके बाद देखिए सुक्रोज सुक्रोज को कैन शुगर भी कहते हैं या गन्ने की शक्कर भी कहा जाता है। इसका सूत्र C12H22O11 इसका सूत्र होता है आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा कि C12H22O11 इसका सुक्रोज कैन शुगर का सूत्र होता है। एक सूक्ष्म परत नली में पदार्थ की सूक्ष्म मात्रा ले लेते हैं उसमें सांद एस्टर सपोर्ट डालेंगे। जब एक परत नली है उसमें थोड़ा सा पदार्थ लिया और सांद एस्टर सपोर्ट डालते हैं तो वो झुलसे वाली जो शक्कर जो होती है वो झुलस सरकारी नहीं पड़ती है नहीं सुक्रोज का परीक्षण दे रही है। दूसरा स्टार्च होता है तीसरा स्टार्च का सूत्र क्या होता है C6H10O5 ठीक है। एन मीन सूत्र क्या कहलाता है कि एन का मतलब होता है इन्फिनिटी में भी रहता है और ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर में ऐड हो जाते हैं तो C6H10O5 स्टार्च का सूत्र पदार्थ की मात्रा जल में लेकर घोलते हैं और आयोडीन की कुछ बूंदें डालते हैं नीला अक्षेप प्राप्त हो नीला रंग आएगा गर्म करने पर नीला रंग लुप्त हो जाएगा और पुनः ये आ जाता है तो ये क्या स्टार्च परीक्षण दे रहा। तो आपको ये समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपकी जूलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल है। तो कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए सबसे पहले मॉलिश परीक्षण करना है मॉलिश परीक्षण में आपको समझ में आएगा फिर इसके बाद ग्लूकोज का है सुक्रोज और स्टार्च ये 3 परीक्षण इसके अकॉर्डिंग कराए जा सकते हैं ठीक है। आपको ये फार्मूले याद रखने होंगे कि ग्लूकोज का C6H12O6 होता है फार्मूला सुक्रोज का कैन शुगर का भी पूछ सकता है कभी कभी कि गन्ने की शक्कर किसे कहते हैं तो C12H22O11 होता है। देन स्टार्च का क्या होता है C6H5O5 होता है एंड एन होता है ये आपको याद रखने के लिए टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना आवश्यक होता है कि किसके साथ पदार्थ क्या है उसमें क्या डाल के अपन परीक्षण कर रहे हैं। दैट्स क्लियर थैंक यू।